ओम शांति। आज 3 फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें परफेक्ट नर से नारायण बनना है और उसके लिए पूरा पूरा ब्राह्मण बनना आवश्यक है। फिर आज की मुरली में बाबा ने कुछ विशेषताएं बताई उन बच्चों की जिनके प्रति भगवान को भी रिगार्ड होता है। तो बाबा कहे, बाबा का भी रिगार्ड इन बच्चों पर रहता है। तो जो बच्चे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यज्ञ का कारोबार करते हैं, साथ ही बाबा कहे खुद पावन बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं, कहीं गफलत नहीं करते, और साथ ही भगवान का नाम कभी बदनाम नहीं होने देते हैं, अपनी चलन को बहुत रॉयल बनाते हैं, ऐसे बच्चों को देख भगवान को भी रिगार्ड मन में आता है। तो आज की मुरली स्वयं की चेकिंग के लिए है कि जो बाबा ने हम बच्चों को विशेष कार्य की जिम्मेवारी दी है, हम कितना उसको निभाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इस सेवा पर तत्पर रहते हैं, चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदायी नहीं बनते हैं, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर याद नहीं करते। बाबा कहे, बेहद का बाप डायरेक्शन देते हैं जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, रचयिता बाप गाया जाता है ना, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं, सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। बाबा कहे, सारा मदार है ही पवित्रता पर, इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया।
मनुष्य मात्र जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग है, सीता चुराई गई, यह हुआ। पावन दुनिया की ग्लानी करना, बाबा कहे यह हुआ पावन दुनिया की ग्लानी करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाबा ने तो जैसे गीता में भी वायदा दिया अधर्म का संपूर्ण नाश और सत धर्म की स्थापना की। अगर वहां पर भी पतित लोग हो तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, बाबा तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है पतित पावन आओ आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी वह बीके कह नहीं सकते, वह है ही कुखवंशावली। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुखवंशावली तो नहीं कहा जाता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वे बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे। राजाय का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर वन है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। अगर क्रोध आदि का भूत भी रह जाता है तो बाबा कहे वो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूत वश पर वश हो गया, बाप को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहां चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण, यहां चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है, जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्य को पता नहीं है, वह तो कह देते हैं माया भी है ही ईश्वर भी है ही। मनुष्य समझते हैं दोनों होते हैं, ईश्वर भी है ही माया भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। ये समझानी शास्त्रों में नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग, ज्ञान का सागर। एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं
उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। बाबा कहे, जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा यानी दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो जरूर है इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहां मुरली चलाने में मूंज जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? तुमको यह भी पता थोड़ी पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते, बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह न सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूं, मैं ज्ञान सागर हूं ना। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़ी करेंगे, बाप को जरूर याद करना है, अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने अच्छी मुरली चलाई नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती है। कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती है, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी है, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है, मैं इतना पढ़ता हूं जो सूर्यवंशी में जाऊं। दावा कहे, दिल में समझना है अर्थात अपने आप को देखना है कि मैं इतना पढ़ता हूं जो सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता है, वह दुखदायी बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदायी है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे, इस बात की समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें। होता है ना कईयों की मेंटालिटी कि ये काम तो इसका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना। ब्रह्मा बाबा ने भी धोबी घाट में भी गए, तो अनाथ सफाई में भी गए। बाबा ने तो कभी ये नहीं समझा कि ये काम मेरा थोड़ी है। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो क्या होगा, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा याद रहना चाहिए हर बात में। बाबा कहे शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल है। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य
रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत न हो, तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, तब बाबा कहे बाबा भी रिगार्ड देंगे। ऐसे बच्चों का बाबा भी रिगार्ड देते हैं, नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजा पद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा, यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है, जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रिय से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, बाबा कहे फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इससे भी बोझा चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए ईश्वरीय औलाद में। ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़ी होते हैं, वह शैतानी आसुरी गुण है, बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा, तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। समझदारी तो उसी में है कि बाबा को रिस्पॉन्सिबल बना दे, तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है, माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग है, इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो इसलिए शिवालय के लिए, सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है, शिव जयंती ही गाई जाती है। बाबा कहे शिव नाम एक्यूरेट है और इसीलिए शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, वह है बिंदी। परम पिता परमात्मा का रूप है ही स्टार, सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है, और स्टार रहता भी ब्रुकुटी में है, परंतु मनुष्य को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी, यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को जन्मते ही दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है, तो बाबा कहे ये त्रिशूल त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी, यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है, तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है, आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है
बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे, ये याद रखना। किसकी दिल को दुखाना नहीं है, अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही है इसलिए सुख देने, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहां सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं, यह ही एक दो को दुख देने की दुनिया। बाबा कहे यह ही एक दो को दुख देने की दुनिया, सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक के नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं। हम कहते हैं भगवान वाच तो गाया हुआ है ना कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे, कब आकर सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी, नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवान वाच हम तुमको राजयोग सिखाते हैं, कहां के लिए? क्या नर्क के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता, बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएंगे। बाबा कहे जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा, बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता, जैसे तत्ते तवे। फिर समझना चाहिए यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने, ऐसे बच्चे को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदाई बनेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मेंद्रिय से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादा की मत पर चल, अपना बोझ उतार देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल, वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए श्रीमत द्वारा मर्यादा मिली हुई है, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक
मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। आज का स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। शांत ओम शांत।